नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कसीनी स्पेसक्राफ्ट की, जिसका सजेशन हमें दिया है अमित गुप्ता ने। हालांकि यह वीडियो मैं पहले भी लाने वाला था, पर कुछ दूसरी वीडियोस की प्रायोरिटी पहले बन गई और उन वीडियो को पहले आपको दिखाना पड़ा। पर अब हम बात करेंगे कसीनी स्पेसक्राफ्ट की इस वीडियो में, और थैंक्स करता हूं मैं अमित गुप्ता को कि उन्होंने कई वीडियोस में मुझे इसका कमेंट दिया। और आप भी इस प्रकार से कमेंट दे सकते हैं और आपकी वीडियो, आपकी सजेस्ट की हुई वीडियो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कसीनी स्पेसक्राफ्ट मिशन की, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और उससे क्या क्या फाइंडिंग हमें मिली और यह मिशन कब खत्म होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों 15 अक्टूबर 1997 में कसीनी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसको नासा ने लॉन्च किया, जिसमें उसका साथ दिया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और इटालियन स्पेस एजेंसी ने। नासा ने इसका मेन स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया है, बनाया है, जिसका नाम है कसीनी स्पेसक्राफ्ट। और इसका ह्यूगन प्रोब्स, जो कि टाइटन पे जाने वाला पहला मैन मेड थिंग है, वो बनाया यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने। और इटालियन एजेंसीज ने इसके इन एंटीनास को डिजाइन किया है, जिसमें कि हाई गेन एंटीना और लो गेन एंटीना भी शामिल है, और इन्हीं एंटीनास से हमें सारी जानकारी पृथ्वी पे प्राप्त होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में $3.26 बिलियन खर्च हुए, जिसमें कि 80% अमेरिका के पैसे लगे हैं, 15% लगे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के, और 5% पैसे लगे हैं इटालियन स्पेस एजेंसी के। कसीनी स्पेसक्राफ्ट क्योंकि सैटर्न पे जाना था, उसको वहां पर सन की ऊर्जा, सन की लाइट बहुत कम मिलती है, इसलिए वहां पर सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए इसको ऊर्जा देने के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कि प्लूटोनियम डाइऑक्साइड एज ए ईंधन के तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका क्षय होने पे गर्मी निकलती है और उस गर्मी का इस्तेमाल बिजली जनरेट करने के लिए किया जाता है। और वहीं बात करें ह्यूगेंस की, तो जब तक यह टाइटन पर भेजा नहीं गया था, तब तक यह कसीनी की ऊर्जा से चलता था, और जब इसको टाइटन पर भेजा गया तब इसको ऊर्जा उसके बैटरी से प्राप्त होने लगी। 15 अक्टूबर 1997 को जब यह लॉन्च हुआ, तब इसके प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको फ्लाई बाय दिया गया। इसमें ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके इसको चलाया गया, जिस प्रकार हम किसी धागे पे बने पत्थर को घुमाते हैं और छोड़ देते हैं तो वह दूर तक जाता है। इसलिए सबसे पहले इसको वीनस के पास से गुजारा गया 1998 में, जिससे गुरुत्वाकर्षण से इसको एक स्पीड मिल पाई। उसके बाद 1999 में फिर से इसको वीनस के पास से गुजारा गया, जिससे इसकी स्पीड और बढ़ गई। इसके बाद 1999 में पुनः यह अर्थ और मून के पास से गुजरा, जिससे गुरुत्वाकर्षण से और इसको स्पीड मिली। इसके बाद यह 2000 में जुपिटर के पास से गुजरा, जिससे और इसको गुरुत्वाकर्षण की स्पीड मिलती रही और बिना फ्यूल खर्च किए यह आगे बढ़ता रहा। और 1 जुलाई 2004 में यह सैटर्न ग्रह की परिक्रमा लगाने लगा और उसके ऑर्बिटर में पहुंच गया। 25 दिसंबर 2004 में इसका ह्यूगेंस प्रोब इससे अलग हुआ और 14 जनवरी 2005 को वह टाइटन पर जा गिरा। ह्यूगेंस प्रोब ने टाइटन की बहुत सी तस्वीरें कसीनी स्पेसक्राफ्ट को दिया, जो कि सैटर्न के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था। उसको सारी डिटेल देता गया, उसको सारी इमेज भेजता गया, और वह कसीनी स्पेसक्राफ्ट नासा को पृथ्वी पर सारी डिटेल देता रहा। इसमें उसने पता लगाया कि टाइटन पे जो भी लिक्विड बह रहा है वो लिक्विड मीथेन है और वह पानी नहीं है। इस तरह कसीनी ने सैटर्न ग्रह के साथ नए मून्स का भी डिस्कवरी की, उन सभी की फुटेज पृथ्वी पे नासा को भेजी। और जब फ्लाई बाय मिल रहा था उसको सभी ग्रहों से, तो उन ग्रहों की भी फोटोज उसने ली और नासा को पृथ्वी पर भेजी। इस मिशन को डिजाइन किया गया था 2008 तक के लिए, 2004 में उसको इंसर्शन करना था ऑर्बिटर में, सेंटर के ऑर्बिटर में, और उसके बाद वो 4 साल और वहां पर घूमने वाला था। उसके बाद जितनी भी डिटेल इकट्ठा होने वाली थी वो नासा को भेजने वाली थी, पर 2008 में नासा ने यह डिसाइड किया कि इसको दो काम और सौंपे जाएंगे, जिसमें पहला मिशन था कसीनी इक्विनॉक्स मिशन। इक्विनॉक्स में यह होता है जैसे कि यह पृथ्वी पर भी होता है, हर साल दो बार, जहां पर इक्वेटर बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है। उसी प्रकार सैटर्न में भी 2009 में यह क्रिया होने वाली थी, उसकी पूरी की पूरी जो रिंग थी वह सूर्य के बिल्कुल सामने आने वाली थी। और उसमें क्या चमक उत्पन्न होती है, उसमें सैटर्न का पूरा व्यवहार कैसा होता है, इस चीज की जानकारी लेने के लिए इसका मिशन 2010 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद इसका मिशन 7 साल और एक्सटेंड किया गया, कसीनी सोल्स्टिक मिशन उसको कहा गया। जिस प्रकार पृथ्वी पे यह साल में दो बार होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा नॉर्दर्न साइड और सबसे ज्यादा साउदर्न साइड जब होता है उसको सोल्स्टिक समय कहते हैं, उसी तरह सैटर्न पे भी जब सबसे ज्यादा सूर्य मैक्सिमम नॉर्थ पे होने वाला था और मैक्सिमम साउथ पर होने वाला था,
उस समय की फुटेज भी नासा को चाहिए थी, इसलिए उसने 7 साल इस मिशन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ऊर्जा कसिनी के पास बची हुई थी और उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरह लॉन्च के बाद पूरे के पूरे 20 साल तक यह मिशन चला और सैटर्न की अकेले परिक्रमा करते हुए इसको 13 साल तक गुजर चुके हैं। कसिनी का नाम रखा गया मशहूर एस्ट्रोनॉमर जियोनिक कसिनी के नाम पे, और ह्यूगेंस का नाम रखा गया मशहूर एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूगेंस के। तो 28 अप्रैल 2017 तक कसिनी का पूरा काम खत्म हो गया, जितने भी मिशन उसको सौंपे गए थे वो खत्म हो गया, और उसका फ्यूल भी लगभग खत्म होने वाला है। तो ये डिसाइड किया कि कसिनी को जिस चीज के लिए बनाया गया है, सैटर्न के लिए बनाया गया है, तो वह उसी में विलीन हो जाना चाहिए। इसलिए नासा ने डिसाइड किया है कि 15 सितंबर 2017 को हम कसिनी को सैटर्न ग्रह के सतह पर उतारने की कोशिश करेंगे और वहीं एटमॉस्फेयर पे वह पूरी की पूरी भस्म हो जाएगी। तो कसिनी सैटर्न ग्रह में विलीन हो जाएगा। तो यह थी पूरी इसकी जानकारी। मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो कसिनी स्पेसक्राफ्ट मेरा सबसे फेवरेट स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि 20 साल बहुत होते हैं किसी भी सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए, और जिस काम के लिए उसको डिजाइन किया गया उससे ज्यादा काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि नासा ने इस चीज में सबसे अच्छा काम किया। हालांकि यह सक्सेस उसको 3 बार लॉन्च बर्बाद करने के बाद मिली, पर जब उसको यह सक्सेस मिली तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिली है। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ पाता हूं। और यदि इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका जरूर उत्तर दे दूंगा। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।